सो हेलो गाइज, व्हाट इज़ अप, आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो। और यार मैं माफ़ी चाहूँगा कि इस वीडियो को आते हुए इतना टाइम लग गया क्योंकि मेरे को अपना घर शिफ्ट करना था। आई मीन आई हैड टू शिफ्ट माई फ्लैट और उसके लिए मुझे ये सेटअप वगैरह खोलना पड़ा और सब कुछ। बट अब सब कुछ ठीक है और हम आ चुके हैं एक नई गेम पे जिसका नाम है एपेक्स लेजेंड। आपने सुना ही होगा यार, बहुत ही फेमस गेम है ये और ये पबजी को टक्कर देने वाली गेम है ऐसा बोल रहे हैं और सीरियसली इसने टक्कर दी भी है। तो अब देख लेते हैं कि यार इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो ये है कि गन्स। सबसे पहले आप गेम क्यों शुरू करेंगे यार, जब आप गेम खेलना शुरू करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी गेम में, वो है गन्स यार। तो जब मैंने खेलनी शुरू की थी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि गन कौन कौन सी है, कौन सी फुली ऑटोमेटिक है, कौन सी पिस्टल है, कौन सी राइफल है, कौन सी बर्स्ट है। तो यार सिंपली आ जाते हैं सबसे पहले एमओ के ऊपर। तो कहते हैं कि इसमें यार हम तीन तरह के एमओ रख लेते हैं, ठीक है, तीन तरह के एमओ और एक शॉटगन के एमओ रेड बॉक्स में रहेंगे, ठीक है। तो मतलब चार तरह के एमओ हैं जिसमें हम पहले लेते हैं एनर्जी एमओस, हैवी एमओ और आ जाता है हमारा ये लाइट एमओ, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से एमओस हैं। ये रहे हमारे शॉटगन एमओस रेड में, ठीक है, और ऑरेंज में होंगे हमारे लाइट एमओ और उसके बाद जो हमारे ये हैं हैवी एमओ और ये है एनर्जी एमओ जिसके ऊपर ऐसे एनर्जी बन के आएगी। अब हमारी देख लेते हैं कि यार इसमें ऑटोमेटिक गन कौन कौन सी है। तो ऑटोमेटिक गन्स में अगर हम लाइट एमओ की बात करें तो लाइट एमओ में सबसे पहले जो होगी हमारी वो है R E 45 ऑटो, उसके बाद है हमारी कार्बाइन 301, उसके बाद है R 99 SMG और अल्टरनेटर है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे हैवी एमओ पे। हैवी एमओ में हमारी होगी फ्लैट लाइन और बाकी सारी इसमें बर्स्ट गन्स है एक्सेप्ट फॉर स्पिटफायर। स्पिटफायर इज़ वन ऑफ द बेस्ट गन्स, ये कह सकते हैं कि जैसे M249 है ये वैसी गन है। चलते हैं हमारे अगले वाले पे जो है कि लाइट एमओ या एनर्जी एमओ जिसे बोल लो। एनर्जी एमओ में हमारे सिर्फ एक है, वो है हॉक्स राइफल और जो है डिवोशन। डिवोशन भी फुली ऑटोमेटिक है, ये भी हमारी स्पिटफायर जैसी है बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है जो कि मैं आपको थोड़े ही टाइम में बता देता हूँ। तो हमारी जब ये पूरी फुली ऑटोमेटिक वाली कवर हो चुकी है अब आ जाते हैं हमारे पिस्टल्स के ऊपर जिसमें सिर्फ वन शॉट है। और यार सबसे फेवरेट गन मेरी पूरी गेम में है यार विंगमैन। ये एक पिस्टल है, ये राइफल पिस्टल है, आप इसे ऐसे बोल सकते हैं। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसका डैमेज बहुत अच्छा है और ये गेम में सबसे अच्छी पिस्टल है। इससे अलावा कोई और गन नहीं अच्छी लगी यार मुझे एक्सेप्ट फॉर कार्बाइन। कार्बाइन भी अच्छी थी। उसके बाद आ जाते हैं हमारी एक और पिस्टल है जो है P 2020, ये भी सिंगल शॉट है। आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक इट बट शुरू में जो मिले वो ले लो। तो शॉटगन में आ जाते हैं। शॉटगन में सिर्फ तीन शॉटगन्स हैं। हाँ यार, अगर आप ऑलरेडी गेम खेल रहे हैं और आपको पता है कि इसमें गोल्डन वेपन्स भी हैं, वो मैं आपको थोड़े ही टाइम में दिखाऊंगा। उसकी कोई बुलेट्स नहीं होती, उसकी बुलेट्स उसी के साथ आती है, बाहर से आपको बुलेट्स नहीं मिल सकती हैं। तो इसमें आ जाते हैं जो हमारे शॉटगन में है, तीन शॉटगन्स हैं, मोजम्बिक, उसके बाद है पीसकीपर, उसके बाद है ईवा ऑटो। तो यार जैसे नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, ईवा ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक गन है। उसके बाद ये जो है हमारी पीस कीपर, ये है एक लिवर एक्शन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा पुरानी गन जो लिवर एक्शन वाली थी। और मोजम्बिक में तीन बुलेट्स लगती हैं यार। और आ जाते हैं सबसे अच्छी गन्स में, ये है कि ये ड्रॉप वाली गन्स हैं, मतलब ये ड्रॉप से ही मिल सकती है आपको और कहीं से नहीं मिलेंगी। और हाँ, इसमें भी ड्रॉप आता है। और उसमें है क्रेबर 50 कैलिबर जो हमारी है ये AWM। उसके बाद ये है एक शॉटगन जो कि कोई भी गन नहीं है, बट PUBG में ऐसी कोई गन नहीं है बट यार ये बहुत ही अच्छी गन है, मतलब मैस्टिफ इज़ द बेस्ट शॉटगन, मिले ही जहाँ पे वहीं पे उठा लो, ठीक है। सो आ जाते हैं गाइज उस पार्ट पे जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि गन्स कौन कौन सी ऑटोमेटिक थी और मेरी फेवरेट गन्स कौन कौन सी हैं। तो मेरी सबसे पहली है कार्बाइन जो है एक फुली ऑटोमेटिक राइफल एंड ये SMG नहीं है, ये AR कह सकते हैं इसको। ये बहुत ही इसका जो रिकॉयल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ये गेम की इसकी जो अवेलेबिलिटी है इसकी बुलेट की वो बहुत ही ईजी है यार। लाइट गन एमोज आपको हर जगह मिल जाएंगे इन स्पाइट ऑफ की, जैसे एनर्जी एमोज है वो बहुत कम है गेम में। उसके बाद हैवी एमोज भी आपको हर जगह मिल जाएंगे, शॉटगन एमोज भी, बट ये है कि ये जो लाइट एमो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा अबंडेंसी में मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मेरी दूसरी फेवरेट गन पे जो है R99। ये SMG है और यार सुपर SMG है। आई मीन लाइक एक सेकंड में 18 राउंड्स को फायर करना ऑसम है यार, ऑसम। सो गाइज इस गेम में भी बिल्कुल एग्जैक्टली PUBG की तरह आप एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें फिट कर सकते हैं, जैसे कि एक स्कोप हो गया, एक स्टॉक हो गया, उसके बाद मैगजीन हो गई, उसके बाद बैरल स्टेबलाइजर हो गया। सो गाइज इस गेम में ऐसा कुछ नहीं है लेवल 1 का, लेवल 2 का, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें स्कोप का भी ऐसा लेवल नहीं है। इसमें आपको कलर के अकॉर्डिंगली जाना पड़ेगा। कलर है इसमें ब्लू, पहले सॉरी ग्रे, ब्लू, पर्पल और गोल्डन। गोल्डन इज़ द बेस्ट, ग्रे इज लीस्ट, उसके बाद ब्लू आता है, फिर पर्पल आता है, उसके बाद बिल्कुल ही गोल्डन। तो आपको यार गोल्डन हर जगह नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयरिटी में मिलती है ये चीज़ें। तो अब आ जाते हैं गन्स के ऊपर। R99 यार सुपर ऑसम गन है अगर आपके पास एक्सटेंडेड मैग है। मतलब ये एक सेकेंड में 18 बुलेट्स शूट कर सकती है यार, कम से कम 1 से 2 सेकेंड में। और उसका जो रिकॉइल है वो भी हैंडल करने का काम। आप बोलेंगे कि यार ये तो पीसी गेम है, आप हमें क्यों बता रहे हो, हम मोबाइल गेमर्स हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि ये गेम मोबाइल में आ रही है बहुत ही जल्दी। अब आ जाते हैं अपने अगले गन पे जो है अल्टरनेटर। ये आपको हर जगह मिलेगी, इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है और ये भी बहुत अच्छी गन है यार। इसका भी रिकॉइल बहुत ही अच्छा है और अवेलेबिलिटी भी अच्छी है, तो इसलिए बहुत अच्छी गन है ये। P2020 नहीं सजेस्ट करूँगा, बट फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कि P2020 इज़ ए सिंगल शॉट गन। मतलब उसका डैमेज भी बहुत कम रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे RE45 ऑटो पे। ये भी बहुत ही फास्ट गन है। ये भी एक सेकेंड में ये भी पूरी की पूरी 15 की मैग खाली कर सकती है और इसका भी जो है डैमेज कम है गाइस। तो आ जाते हैं हमारे अगले पार्ट पे जो इधर है लाइट एमओ पे, सॉरी हैवी एमओ पे। हैवी एमओ पे हम जाके कहेंगे कि फ्लैटलाइन थी फुली ऑटो, फ्लैटलाइन, और दूसरी वाली गन जो थी वो थी स्पिटफायर। अब आपको मैं बता देता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा था कि स्पिटफायर एक M416 की तरह है, सॉरी M249 की तरह है। या जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कम से कम 35 बुलेट्स लगती हैं एक बार में और हैवी एमओ है। हैवी एमओ का मतलब है कि आप एक बार शुरू करेंगे तो एक पूरी मैग में आप एक बंदे को नॉक कर सकते हैं। अगर वो सिंगल होगा तो आप उसे आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बट ये कि आपको ये पूरे शॉट्स को काउंट करवाना पड़ेगा। एक बॉडी पे ये पूरे शॉट्स लगने चाहिए। किसी एग्जैक्ट वे में जाता है इसका रिकॉइल। इसका रिकॉइल है बहुत ज़्यादा है, इसका रिकॉइल। उसके बाद आ जाते हैं यार सबकी फेवरेट फ्लैटलाइन पे। फ्लैटलाइन बहुत ही अच्छी गन है, इसका रिकॉइल बहुत कम है और इसकी भी एक मैग आपके जो आर्मर को पियर्स करने के लिए बहुत अच्छी है। आ जाते हैं हमारी मेरी फेवरेट गन पे, जो इस गेम की पूरी में से मेरी पूरी फेवरेट गन है, बहुत ही अच्छी लगती है। इसका नाम है विंगमैन। किस किस ने श्राउड भाई को इसके साथ खेलते हुए देखा होगा। मतलब यार ये ऐसी पिस्टल है कि राइफल लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसकी रेंज भी बहुत अच्छी है, 45 डैमेज देती है एक बुलेट से और हेडशॉट पे 90, हेडशॉट नहीं लगा, हेडशॉट पे 90 और बॉडी शॉट पे 45। हर बुलेट जितनी मर्जी दूर से आप मारेंगे आप इसका 45 ही होगा, वो एक डैमेज होगा। और जो हेडशॉट है वो हमेशा 90 काउंट होगा जितनी दूर से आप मारेंगे। सो गाइस आ जाते हैं हमारे इसी कैटेगरी में बर्स्ट गन्स पे। पहले सॉरी ऑटो ही कवर कर लेते हैं। ऑटो में ये थी डिवोशन। डिवोशन मैं आपको क्यों बोल रहा था कि डिफरेंट है, M249 जैसी है बट डिफरेंट है स्पिटफायर से। स्पिटफायर जो है वो एक ही दम से गोलियाँ पूरे एक ही पेस पे चलाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पिटफायर गिरा दी पीछे, ये रही। सो स्पिटफायर एक ही पेस पे गोली चलाती है, बट डिवोशन जो है वो एक पेस पे गोली नहीं चलाती है, वो एक ही दम से स्पीड लेती है, एक्सेलरेट करती है ऊपर। शुरू में जो है वो गोलियाँ धीरे धीरे, पहले एक, ये जैसे आफ्टर द 6th बुलेट इट विल गो रियली फास्ट। मतलब इट्स अ डेडली गन, बट आपके पास टर्बो चार्जर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि लगेगा। तो यहाँ पे हॉप अप लगता है, हॉप अप है इसका जो टर्बो चार्जर है, गोल्डन कलर का ही रहता है हमेशा वो। बहुत ही अच्छा हॉपअप है यार, अगर आपके पास वो हॉपअप और ये वाली गन, मतलब डेडली गन है यार ये। सो ये है नई गन, ये बिल्कुल इसी तरह है हमारे डिवोशन की तरह, गन है ये भी। आ जाते हैं हमारी राइफल्स के ऊपर। तो राइफल में ट्रिपल टेकर को मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया, इसके साथ काफ़ी सारे लॉक किए हैं, मुझे अच्छे से याद है। ये भी वन ऑफ द बेस्ट राइफल्स है। बट आ जाते हैं अच्छी राइफलों के ऊपर, जो है हमारी लॉन्गबो बहुत ही अच्छी राइफल है यार, और इसकी अवेलेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा रेयर नहीं है। P 2020 इसका बॉडी डैमेज है और जो हेडशॉट डैमेज है वो डबल कर लीजिए वन टाइम, यानी कि जो बॉडी शॉट डैमेज होगा उससे डबल करके आपको हेडशॉट डैमेज मिलेगा मेरे गाइस। एंड हमारी जो अगली राइफल है वो है G7 Scout बैंगलोर की गन है। आप देखेंगे, अगर आपको भी नहीं पता चल रहा कि बैंगलोर कौन है, तो बैंगलोर इज़ कैरेक्टर इन दिस गेम विच यू विल बी प्लेइंग इफ़ यू प्ले दिस गेम एंड विच आई सजेस्ट यू टू प्ले, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी गेम है। हेडशॉट पे 60 और बॉडी पे 30 है, बॉडी पे 30 हेडशॉट पे 60। बैंगलोर की गन है, आपको ज़रूर जल्दी ही पता चल जाएगा जैसे ही आती है। अब आ जाते हैं हमारी शॉटगन्स के ऊपर। शॉटगन में सबसे अच्छी शॉटगन मेरे को जो लगती है वो ईवा है, हमारे जैसे नूबड़ों के लिए तो ईवा ही अच्छी है। एंड उसके बाद है हमारी जो गन सबसे अच्छी, सभी स्ट्रीमर्स को अच्छी लगती है, स्पेशली हमारे भाई सिख वॉरियर को सबसे फेवरेट गन है पीसकीपर। बहुत ही अच्छी गन है, ये क्लच गन है। मतलब आपको मैं दिखा देता हूँ क्लच का मतलब, जैसे कि आप शूट करेंगे तो नीचे से रीलोड करेगा ये। मैं एक बार दिखा दूँ, बहुत ही अच्छी 115 का डैमेज है और बहुत ही अच्छी गन है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप नए खेल रहे हैं तो आप ये गन मत लीजिए, आप ईवा ऑटो लीजिए। और आ जाते हैं हमारी पिस्टल के ऊपर। शॉटगन पिस्टल है, सुनने के लिए थोड़ा अलग लगेगा। पहले मैं आपको ईवा दिखा देता हूँ, ईवा फुली ऑटो है, इसमें 8 बुलेट्स लगती हैं। शो 8 बुलेट्स के साथ ईवा इज डेडली, इसमें लगता है पीसकीपर। आ जाते हैं हमारे यार मोजम्बिक के ऊपर। मोजम्बिक है जो वो 3 बुलेट्स के साथ रहती है, ऑलमोस्ट शुरू में हर किसी को मिल जाएगी गन, बहुत ही अच्छी शॉट गन है ये भी। बट आई विल नॉट सजेस्ट कि आप इसे लॉन्ग टर्म भी रखें, क्योंकि 3 बुलेट शॉट गन की और उसके बाद रीलोडिंग टाइम जो है इसका बहुत ज़्यादा है। अब आ जाते हैं हमारे फाइनल और ड्रॉप गन्स के ऊपर। यार ये सबसे ही ज़्यादा अच्छी गन्स है, इससे अच्छी गन पूरी गेम में आपको नहीं मिलेगी, पूरी गेम में ऐसी गन्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये ड्रॉप की हैं। आपको पता है कि AWM आपको गन अंदर से नहीं मिलेगी। 125 बॉडी और जो हेड है वो तो आप डबल कर लीजिए, मतलब एक शॉट में बंदा नॉक ना हुआ तो आप बोलिए। आ जाते हैं इसकी सबसे में जो मेरी फेवरेट गन, मतलब जो हाई एंड पे है, अगर मेरे को मिल जाए तो मैं कहीं से भी इसको लेके आऊँगा। 165 हेडशॉट एंड बॉडी जो है वो तो 126, अगर पूरा रहेगा तो 270। ये डिपेंड करता है यार, ये मैस्टिफ है इसका नाम और ये शॉट गन है, बहुत ही अच्छी गन है यार। मतलब इसका जो स्प्रेड है वो भी बहुत कम है, और क्या बोलूँ यार, क्या गन है, सुपर ऑसम गन है बस। सो गाइज, ये रही आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन गन्स के बारे में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप मुझे ऐसी वीडियोस बनाते हुए देखना चाहते हैं, डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन, और ऐसे ही बने रहो यार गाइज। आई एम रियली सॉरी कि इतना टाइम लग गया वीडियो आते हुए। रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप द गुड वर्क अप गाइस। आपकी वजह से हम ऑलमोस्ट 60,000 होने वाले हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, और जल्दी ही करेंगे लाइव स्ट्रीम। अभी लाइव स्ट्रीम के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा सेटअप अभी नहीं हुआ है अच्छे से, जैसे ही होता है वैसे ही हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। तो यार थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हम आपको मिलते हैं अगली बार ऐसी वीडियो के साथ, तब तक